I am Dr. Arvind Kumar, and today I am going to discuss a very common disorder, that is diabetes. Let's understand what is diabetes. Diabetes क्या है? Sugar, मधुमेह, ये सब diabetes हैं. Diabetes में blood glucose level increase हो जाता है, क्योंकि जो hormone blood glucose level को control करता है, insulin, या तो वो बनता नहीं है, और अगर बन रहा है, तो इफेक्टिवनेस उसकी कम है. What are the types of diabetes? Diabetes चार प्रकार के हो सकते हैं. Type 1 diabetes, जिसमें कि इंसुलिन लेवल बिल्कुल ही नहीं बनता बॉडी में, क्योंकि पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, मे बी ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से, और ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन रहता है. Type 2 diabetes, इसमें मल्टीपल डिफेक्ट्स होते हैं, इंसुलिन बन भी कम रहा है और जो बन रहा है वो काम नहीं कर रहा, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं. तीसरे टाइप का होता है जिसमें कि कोई ना कोई कारण है, जैसे कि स्टीरॉयड लेना, या फिर पैनक्रियास की सर्जरी से पैनक्रियास रिमूव हो जाना, या पैनक्रियास का कैंसर. और चौथे तरीके का होता है प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज़ होना. अब कैसे हम सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे डायबिटीज़ के? अनफॉर्चुनेटली शुरू में डायबिटीज़ के कोई सिम्टम्स नहीं हैं, एसिम्टोमेटिक होता है. और जब शुगर बहुत बढ़ जाता है तो गला सूखना, प्यास काफ़ी लगना, अनइंटेंशनल वेट लॉस होना, या फिर हीलिंग प्रॉपर ना होना, या हीलिंग में बहुत टाइम लगना, बार बार फोड़े फुंसी हो जाना, देखने में दिक्कत आना, या फिर सुइयां चुभना हाथ पैरों पर, इस तरह के सिम्टम्स कॉमन हैं डायबिटीज़ में. अब अगर ये सिम्टम्स आ गए हैं तो कैसे हम इसको टेस्ट करेंगे, कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी इस तरीके का सिम्टम आपको आता है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए. डॉक्टर आपको टेस्ट एडवाइस करेंगे. टेस्ट क्या होते हैं? टेस्ट होते हैं प्लाज्मा ग्लूकोज फास्टिंग का. अब फास्टिंग का मतलब क्या हुआ? फास्टिंग का मतलब हुआ शुगर्स के लिए कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग. 8 घंटे तक आपने कुछ ना खाया हो तब उसको हम फास्टिंग टेस्ट बोलते हैं. नॉर्मल वैल्यू क्या है फास्टिंग ग्लूकोज की? नॉर्मल वैल्यू है लेस देन 100. 100 से 125 तक ये बॉर्डरलाइन माना जाता है, और 126 से ऊपर होते ही ये डायबिटीज़ की रेंज में आ जाता है. और दूसरा टेस्ट होता है 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद 2 घंटे के बाद टेस्ट किया जाता है. नॉर्मल वैल्यू होती है 140 से कम, और अगर वो 140 से 199 है तो उससे बोलेंगे बॉर्डरलाइन शुगर, या प्री डायबिटीज़ बोलेंगे उसको. 200 से ऊपर होते ही वो डायबिटीज़ की रेंज में आ जाता है. और एक टेस्ट होता है HbA1c, जो पिछले 3 महीने का एवरेज होता है. वो टेस्ट काफ़ी एक्यूरेट होता है. लेस देन 5.7 नॉर्मल वैल्यू है, 5.7 से 6.5 तक बॉर्डरलाइन केस बोलेंगे, और 6.5 के ऊपर हम उसे डायबिटीज़ लेवल करेंगे. HbA1c का फ़ायदा ये है कि वो रैंडमली करा सकते हैं, उसके लिए कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है. इन टेस्ट के बेसिस पे फिर आपको डॉक्टर से एडवाइस मिलेगी कि मेडिसिंस लेनी है, या सिर्फ नेचुरल तरीके से लाइफस्टाइल से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं. लाइफस्टाइल जैसे कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक की एक ब्रिस्क वॉक होना जरूरी है, और डाइट ऑफ कोर्स, जिसमें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहे, और कुछ पर्टिकुलर फूड्स जो आपको अवॉइड करने हैं, इसके लिए आपको एक डाइटिशियन से मिलना जरूरी है. अब ये डायबिटीज़ इतना कॉमन है कि हमारे किसी न किसी रिलेटिव में, फैमिली मेंबर में, इंडीड हमको भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता. तो इसका प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा है, और इसके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी सीवियर और सीरियस हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. जो कंडीशन 60 या 70 साल के बाद आती हैं वो 10-20 साल पहले आ सकती हैं, उस टाइम पे जब हमारा कैरियर पीक पे होता है. तो इसीलिए डायबिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स किडनी अफेक्ट हो सकती है, डायलिसिस की प्रॉब्लम आ सकती है, नर्व्स डैमेज होती हैं, जिससे कि फुट अल्सर्स की भी प्रॉब्लम आ सकती हैं. तो इसीलिए डायबिटीज़ को आपने लाइटली नहीं लेना है, इसको अप्रोप्रिएटली कंट्रोल करना है, ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करके रखना है.
थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड होपफुली यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।